हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं आपको अपनी आज की रूटीन दिखाने वाली हूँ, जो मैक्सिमम आजकल मेरी चली होती है, तो बने रहिए आप मेरे साथ। तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है मम्मी पापा के लिए चाय बना के देना। तो पहले मैं चाय बनाऊंगी। पहले बनाने वाली हूँ मैं सब्जी और उसके बाद गूंदू की आटा। वैसे आटा मैं शाम को गूंद देती थी, बट कल मेरा मन नहीं था तो मैंने नहीं गूंदा, मैंने सब्जी कट करी है सिर्फ। पहले मैं सब्जी को जो है वो तड़का लगा लूँगी। तो साथ में दूध को भी बॉईल कर लूँगी मैं। और अब गूंदूंगी मैं आटा, साथ में सब्जी बनती रहेगी और इस साइड आटा भी गूंद जाएगा। और अब बारी है चपाती बनाने की। तो हमें जो है सुबह सुबह सब्जी दाल कुछ भी बनाना पड़ता है, क्योंकि भैया जो है मेरे जेठ, उनको ड्यूटी जाना होता है और उनके लिए टिफिन पैक करके देना होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम सब्जी दाल सुबह कुछ ना कुछ बनता ही है चपाती के साथ। तो भैया के लिए जो है वो टिफ़िन पैक हो रहा है, तो एक टिफ़िन तो आज सलाद का जाने वाला है इनका, तो प्याज खीरा चुकंदर। आई ना दिन 10 बजे मुंडे का टेस्ट दिया 9 बजे से सिख देना है। तो मम्मी पापा कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, तो मैं तो लेट ही करती हूँ। तो 9 बजे तक खाना वगैरह बन के खा के सब फ्री हो गए होते हैं, तो उसके बाद आता है काम झाड़ू पोछे का। तो पोछा वैसे डेली नहीं लगाते हैं हम, तो झाड़ू तो लगाना ही पड़ता है। तो अभी मेरे जेठानी मायके गए हुए हैं, तो उस वजह से थोड़ा काम बढ़ गया है मुझे, पर अदरवाइज़ एक जना खाना बनाता है, एक झाड़ू पोछा कर लेता है, तो जल्दी फ्री हो जाते हैं फिर। तो उसके बाद हमारे घर में आए हैं ढोलरू वाले, तो आप भी सुनिए। तो अब बारी है लंच की। तो मेरे चाचू का लड़का आ रहा है, तो बोलता दीदी भूख लगी है बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा अब खिचड़ी डालती हूँ मैं जल्दी जल्दी। तो वही प्रोसेस जो है वो मेरा चला हुआ है अभी। तो राजमा भिगो के रखे हुए थे और मटर भी रखे थे, तो मैंने सोचा उसी की खिचड़ी बनाती हूँ मैं। हेलो गाइस, थैंक यू।
तो अभी लंच टाइम में हम तीन ही हैं खाने वाले, भैया गए हैं ड्यूटी और पापा काम से गए हैं। तो दही के साथ खिचड़ी, तो इसकी जो है वो अभी यहाँ पे 10 दिन इंटर्नशिप लगी है, IPH ऑफिस है यहाँ पे ऊपर, ये फिटर की जो है इसने ITI कर रहा है। वो अभी फिलहाल घर चला गया, वैसे पापा ने भी आना था उनके साथ जाना था लेकिन उन्होंने बोला कि वो घर नहीं जाएंगे, तो फिर ये बस में जा रहा है अब। ओके बाय। तो लंच के बाद मैंने मम्मी को बोला कि पुराने फोटोग्राफ्स हैं मुझे वो देखने हैं, तो ये देख सकते हो कितने सारे, ये अलग अलग, इसमें भी एल्बम, इसमें भी एल्बम। ये पुराने, इनके पास अपना कैमरा होता था तो फ़ोटो लेने का ही काम होता था। तो ये देख सकते हो आप, मेरा लाड़ा, मेरे हस्बैंड स्कूल टाइम में। अभी तो ये घर पे नहीं है, धर्मशाला चले गए हैं। कहता मेरा गेट बंद है जी, आई हुए घेर तो नाका दिन रहन चा। अच्छा की ले ही ना थी ना। अच्छा अच्छा तो ठीक है। तो इस फोटो को देखिए कैसे गाय के आगे एक छोटे से बच्चे को रखा हुआ है। तो ये बच्चा कोई और नहीं, मेरे पतिदेव है जिनको चाचू ने उठा के गाय के आगे रख दिया था फोटो लेने के लिए। तो अब टाइम है शाम की चाय का, तो चाय के साथ मैं यहाँ पे कुछ बनाने लगी थी लेकिन पापा बोलते मैं बनाता हूँ तू रेस्ट कर, तो पापा बना रहे हैं। तो उतनी देर में मैंने सोचा मैं एक साइड चाय बना लेती हूँ, तो आपको दिखाते हैं कि क्या बना रहे हैं पापा। तो ये एक साइड मेरी चाय बन रही है और दूसरी साइड ये पापा लगे हुए हैं कुक करने, तो यहाँ पे बन रहे हैं ब्रेड पकोड़ा। तो आज चाय के साथ खाने वाले हैं ब्रेड पकोड़ा। तो यहाँ नीचे है हनुमान जी का मंदिर जहाँ पे मंगलवार को कीर्तन वगैरह होता है, तो अभी भी आज भी हो रहा है। तो भैया ड्यूटी से वापस आ चुके हैं। तो शाम को चाय की टाइमिंग रहती है हमारी 4:30 से 5:30 के बीच में। तो वैसे ये व्लॉग मैं आपके साथ लेट शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरा एडिट करने का मन ही नहीं कर रहा था, तो फाइनली मैंने एडिट करके आपके साथ शेयर किया। और शाम के टाइम जो है हम सब बाहर बैठे हुए हैं अपने अपने, और भैया यहाँ पे राउंड लगा रहे हैं। तो अब है डिनर की तैयारी। तो डिनर में है राजमा की दाल और चपाती। तो रात को डिनर में जो है वो चावल नहीं खाते हैं, चावल सिर्फ दिन के टाइम चलते हैं, उसके बाद डिनर और ब्रेकफास्ट के लिए तो चपाती ही खाते हैं। वैसे शादी से पहले काम कुम करने में बड़ा लेज़ी सा फील होता था, बट शादी के बाद मतलब पता ही नहीं चलता काम कभी, और बोझ भी नहीं लगता मतलब खाना खुना बनाने का। उधर मायके में तो इतना भी बहुत बड़ी बात लगती थी, लेकिन यहाँ पे मतलब कुछ भी पता नहीं चलता, खाना बनाओ उसी टाइम साफ़ सफाई करो बर्तन धो और फ्री हो जाओ। तो उसमें फ़र्क ये भी होता है कि वहाँ पे मम्मी के सर पे ऐश होती थी और यहाँ पे खुद ही करना है आगे सब कुछ, अपना ही घर है, तो उस वजह से फिर खुद ही जिम्मेदारियों का एहसास हो जाता है और कुछ फील भी नहीं होता। तो ये मेरे जेठ कैसे चटकारे लगा के खाते हुए, ये मम्मी पापा, और ये है मेरी राजमा की दाल। ये देखो ये मधु बर्तन धो रही है, बहुत अच्छी बच्ची है और अपने जेठ से ब्लॉग बना रही है। तो फ्रेंड्स अभी टाइम जो है वो 10 बजने वाले हैं। तो आज वैसे मैं लेट फ्री हुई हूँ थोड़ा, क्योंकि आज हमें किसी को भी भूख नहीं थी ब्रेड पकौड़ा खाने के बाद, तो खाना लेट ही खाया हमने। और ये दूध का गिलास, मैं दूध नहीं पीती हूँ और इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती दूध का गिलास पकड़ा दिया कि पीना ही पड़ेगा, तो मुझे पसंद नहीं है दूध पीना, लेकिन अब दिया है तो पीना तो पड़ेगा।
तो ये थी मेरी वैसे रूटीन। वैसे तो दो लोग होते हैं हम, तो फिर पता ही नहीं चलता थोड़ा बहुत काम का भी। तो अभी दीदी नहीं है तो फिर थोड़ा बिजी शेड्यूल थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी करती हूँ मैं अब रेस्ट। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर।